जैसे लहरा के दूरू बारू आ गई, धड़कने बेतरा सा तड़पने लगी, तेरे रश के कमर तूने पहली नजर, यूं नजर से मिलाई मजा आ गया। ये मेरे बेटे का फेवरेट गाना था। आजकल तो गुनगुनाता नहीं है, लेकिन जो है पूरा ऐसे गाता था, तेले लचके कमर तूने पहली नजर, यूं नजर से मिलाई मजा आ गया। तो कहते हैं ना, बच्चे जब गुनगुनाते हैं तो वो गाने ज़्यादा दिल को छू जाते हैं। गुनगुनाइए, मुस्कुराइए, जिंदगी एक मिलती है। अगर उसमें भी टेंशन लेंगे, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जितनी बड़ी होती है उतनी कम भी हो जाती है। चलिए, ये बातें हम लाइफ में करते ही आते हैं, लेकिन जब हमारा गुनगुनाने को मन करता है तो यार अंदर से मन बहुत खुश होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मन करता है कुछ खाया जाए, फिर लगता है जो खाने पे कंट्रोल किया हुआ है उसका क्या करें। तो ऐसे वो कौन से टीवी शो हैं जो लीप के बाद टीआरपी में भी इतना अच्छा दम नज़र नहीं आया, या कहें कि फैंस के दिमाग का दही बना दिया, जहां फैंस मजबूरी में देख रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा लेकिन कुछ अच्छा होता ही नहीं है, या कहानी जो है सर से ऊपर की होती है, क्या दिखा रहे हैं यार, बर्बाद करके ही बंद करना है तो कर ही दो ना। तो ये काफ़ी न्यूज़ वायरल होती है। तो सबसे पहले जो है आपका नंबर 10 की पोजीशन पे है आपका बड़े अच्छे लगते हैं 2, जहाँ पे आपको रणदीप रॉय नज़र आए थे और जो है नीति भी नज़र आई थी और पूजा बनर्जी भी नज़र आई थी। फैंस को स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और इसीलिए तुरंत जो है एकता ने बड़े अच्छे लगते 3 रिलीज़ कर दिया था। फिर आता है आपका नंबर 9 की पोजीशन पे पांडे स्टोर। पांडे स्टोर की कहानी कुछ दिखाई ही नहीं है इन लोगों ने। रावी और शिवा का कोई रोमांस नहीं दिखाया, धारी धरा भाभी का कोई ऐसा बच्चा नहीं दिखाया जहाँ पे उम्मीदें थी, बस तुरंत इन्होंने जो है लीप दे दिया और लीप के बाद जो है टीआरपी अच्छी निकल कर नहीं आई, फैंस को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। फिर आता है नंबर 8 पर आपका कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य तो जानते ही होंगे ना, जनरेशन लीप के बाद आपने प्राची रणबीर को देखा, लेकिन ये शो वो कमाल नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। फिर इसमें 5 साल का लीप दिया तो फैंस को बिल्कुल भी स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। एट दिस टाइम जी टीवी पे सबसे ज़्यादा कुमकुम भाग्य के बारे में फैंस उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, यानी कि निगेटिव बोल रहे हैं। फिर आता है आपका नंबर 7 की पोजीशन पे उड़ारिया। भैया उड़ारिया की सेकंड जनरेशन लीप देखी थी आपने, क्या आपको पसंद आई थी? आपको आज तक मैं ये कह सकती हूँ, आपको ये ही समझ में नहीं आया होगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। ऐसे में अब तीसरा लीप दे दिया है। अगर तीसरा लीप भी फैंस को कंफ्यूजन कर गया ना तो बर्बाद है, लेकिन इसका उड़ारिन का सेकेंड लीप सबसे बेकार गया है। अब बात आती है आपके नंबर 6 पे है, ये है चाहते, जहाँ पे रूषा को फैंस ने जितना प्यार दिया उतना जो है आने वाली जो पीढ़ी को, यानी कि जो नई जनरेशन प्रवेश मिश्रा और जो है शगुन शर्मा नज़र आ रही हैं, उन्हें फैंस इतना प्यार नहीं दे पा रहे हैं। फैंस स्टोरी अच्छी बता रहे हैं लेकिन लीव के बाद जो टीआरपी एकदम जंप करनी चाहिए थी वो नहीं करी। फैंस कह रहे हैं कि इतना लीप ऐसे तो कोई वो था ही नहीं, लेकिन फिर भी रूषा की कहानी लोगों ने काफ़ी दिखाई। अब नई जनरेशन की कहानी फैंस को पसंद आ रही है लेकिन टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। फिर आता है आपका नंबर 5 की पोजीशन पे मीत। मीत में कितनी बार लीप आया गया है यार, कोई भी लीप फैंस को पसंद नहीं आया है और इस लीप की कहानी तो फैंस के दिमाग के ऊपर से जा रही है। बात आती है फिर नंबर 4 की पोजीशन पे है आपका इमली, जहाँ पे सेकेंड जनरेशन भी फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और एट दिस टाइम शो खतरे में भी है और टीआरपी तो इसकी निकल कर आई ही नहीं है। जहाँ पे मैरिज ट्रैक पे थोड़ी टीआरपी निकल कर आ जाती है, अब लगता है फिर से मैरिज ट्रैक देंगे और टीआरपी बढ़ाएंगे। फिर आता है आपका नंबर 3 की पोजीशन पे ये रिश्ता क्या कहलाता है। फैंस देख रहे हैं लेकिन फैंस के दिमाग की दही बन गई है कि ये थर्ड जनरेशन में राजन शाही क्या दिखा रहे हैं,
राजन साई के शो से ये उम्मीदें नहीं थी जो घर घर में एक निगेटिव न्यूज़ देता है। ऐसे में जो है अभिमन्यु को आपने दुश्मन बना के खड़ा कर दिया है। जहाँ पे शो की कंप्लेन भी चल रही है और लीप की एक बार ही टीआरपी बढ़ी थी, उसके बाद इसकी टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, जिस हिसाब से इसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिए जा रहे हैं। और नंबर टू की पोजीशन पे है आपका गुम है किसी के प्यार में। लीप के बाद की कहानी फैंस पसंद तो बहुत करेंगे, लेकिन जब पता है रिपीट कर दी है आपने शौर्य अनोखी की कहानी, तो फैंस कहाँ से इंटरेस्ट लेंगे। और इसीलिए इस शो की टीआरपी नहीं बढ़ रही है। मेरी राय यही है, अभी भी प्रोडक्शन इस शो का फ़ायदा उठा सकता है। गुम है किसी के प्यार की सर्चिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी टीआरपी दे चुका है और अभी भी ये शो टॉप 5 में बना हुआ है। तो मेरी राय है कहानी तुरंत चेंज कर दी जाए, जो कहानी चल रही है उसे तुरंत ऐसी जगह घुमाया जाए शौर्य अनोखी की रिपीट स्टोरी ना लगे। अब बात आती है आपके नंबर वन की पोजीशन पे, वो कौन सा शो है जिसकी कहानी को देखकर फैंस ने सिर पकड़ लिया। कुंडली भाग्य, आप कहोगे कुंडली की टीआरपी तो लीप के बाद कुमकुम और कुंडली की टीआरपी अगर इतनी बढ़ेगी तो भैया फिर तो जी तो हो गया पूरा गुद्दा। तो कुंडली भाग्य की कहानी फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। रोज़ रोज़ एक ही ट्रैक को दिखाकर फैंस थक गए हैं और यही गलती इन्होंने पहले भी की थी और फिर टीआरपी नहीं बढ़ी थी। और लीप के बाद तो जो है टीआरपी थोड़ी बढ़ रही है, अगर यही ट्रैक बार बार कोर्ट ड्रामा, मिलन ड्रामा, जॉब ड्रामा यही दिखाएंगे तो यकीन मानिए टीआरपी तो छोड़ो, शो कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये हैं आपके टॉप 10 शो। इनमें से आपको किसका लीप सबसे अच्छा लगा, या आप कह सकते हैं इसका लीप ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।